सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक मजेदार वीडियो लेके आए हैं जो इन्फॉर्मेशन से भरी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत तक मिलेगी। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत। जी ज्वाइन किया है साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आ पाए। थैंक यू थैंक यू। सर, पूरा संडे खराब हो गया पाकिस्तान का भी और हिंदुस्तान वालों का भी, क्योंकि सुबह से एक हंगामा था कि इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाएगा, तो उनका मीडिया भी बड़ा एक्टिव था और यहाँ से भी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। ये सब क्या क्या चक्कर था सर? कहा गया कि जी घर में नहीं है, बाद में वो घर से ही निकले। और जो मेरे ख्याल में, मैं जिस तरह पहले आपको कई दफा अर्ज किया है कि तरीके इंसाफ है, लेकिन इनको इंसाफ का पता ही नहीं है। खान साहब हमेशा ये फरमाते रहे हैं अपनी स्पीचेस के अंदर कि इस मुल्क के अंदर दो कानून नहीं होने चाहिए, एक कानून होना चाहिए। तो अब आज आप मुझे ये बताएं कि 74 केसेस हैं इनके ऊपर और किसी में ना कोर्ट जाने के लिए ये हाजिर नहीं है। और उस दिन SP इस्लामाबाद से वहां पे गया है और उन्हें सिर्फ ये लिख दिया गया है कि इज नॉट अवेलेबल। अब मैं उसमें ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये कोई और पाकिस्तानी ऐसे करे तो फिर कैसे होगा। और फिर मैं हमेशा आपके सेगमेंट में भी हमेशा कहता रहा हूं कि हमारा ये गठजोड़ है कुछ 5,000 लोगों का, उन्होंने पाकिस्तान को यरगमाल बना के रखा हुआ है। इस जो खासकर जो SP गए हैं इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जो लाहौर गए हैं, उनके बारे में जो इंकशाफात आ रहे हैं मुबैना तौर पर कि वो एक अदालती पर्सनैलिटी के दामाद। उससे पहले लाहौर की जो पूरी जुडिशरी है वो एक 25 साल का 26 साल का MPA है, वो उसके सुसर हैं। तो दर हकीकत ये एक पूरा ड्रामा चल रहा है, और आज से नहीं चल रहा, 76 साल से चल रहा है। मेरा बल्कि ये क्वेश्चन मार्क ये होगा आपसे, आप सबसे, कि आपको वाकई IMF का पैकेज चाहिए? IMF का पैकेज तो सिर्फ 5,000 लोगों को चाहिए जिनके बच्चे लंदन और टोरंटो में, जिनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं दुबई में, सिर्फ उनको चाहिए। दूसरे, और देखे ना किस खूबसूरती के साथ, पहले आपने टिम हॉल्टन का सेले उनके नंबर आए, फिर उसके बाद KFC के आए हैं हफ्ता 10 दिन पहले, क्या आपने उनके भी रैकेट तोड़े? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर देखा जाए लाहौर कराची इस्लामाबाद की तस्वीरें अगर आप लाइव चलाएं ट्रैफिक की, किसी रेस्टोरेंट की दिखाएं, बिजनेस क्लास जहाजों के ऊपर जो ट्रैवल हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान से बाहर, जो चार्टर जहाजों के ऊपर अमीर लोगों के बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, क्या आपको IMF का पैकेज चाहिए? और दूसरा सवाल यह है, क्या IMF वालों को यह पता है कि आपके पास कितना पैसा मौजूद है करप्शन का? देखिए, आपने सबसे ज्यादा करप्शन तो खैर अयूब खान दौर से बहुत शुरू हो चुकी थी, प्लाटिंग तो शुरू हो चुकी थी, उनके बच्चे, उनके दामाद, उनके सारे लूट रहे थे बड़े बुरे तरीके से। लेकिन उसके बाद लॉटरी आपकी तब निकली जब अफगानिस्तान के अंदर रशिया आया, फिर तो आपको डॉलर कंटेनरों में मिले। लेकिन लूट के भाग गए होंगे, कोई शक नहीं, बहुत भागे हैं, अभी भी भाग रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान में होगा। और उसके बाद फिर आपने बड़ी खूबसूरती के साथ बहुत पैसा बनाया, आपने $5,000-5,000 के पाकिस्तानी गुटानमो में भी भेजते रहे, वो तो एक मिसाल है, उसका तो इतराफ आपने किया, लेकिन आपके पास पैसा तो बहुत मौजूद है। IMF वालों को दर हकीकत मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ पता चल ही गया है, तभी वो इतनी फुर्ती में नहीं है, जल्दी में नहीं है। आज आपकी उनके साथ मीटिंग शुरू होने लगी है वर्चुअल, और खान साहब ने जाहिर है कि खान साहब जब भी आपकी IMF के साथ कोई ना कोई बात चलती है, खान साहब कोई ना कोई पटाखा छोड़ देते हैं। पिछली दफा 25 मई का छोड़ दिया था, तो आज भी कुछ ना कुछ छोड़ेंगे, जिस तरह उन्होंने कहा जी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। तो दर हकीकत आपको ना IMF चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पाकिस्तानियत चाहिए, और वो बड़ी मुश्किल है क्योंकि वो आप बड़े अरसे से आपके अंदर नहीं है। दुख के साथ कहूंगा कि बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है और बॉर्डर के इस पार क्या, वहां पे G20 हो रही है, 20 फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहां पे खड़े, 20 फाइनेंस मिनिस्टर हैं दुनिया के कामयाब मुल्कों के वो वहां खड़े, और हमारे अपने फॉरेन मिनिस्टर का पता ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का पता ही नहीं है, असली प्राइम मिनिस्टर तो लंदन में बैठा है। तो दर हकीकत मैं कई दफा बात करता हूं तो मेरे कई भारतीय दोस्त जो है उनको ऐसे ही गुस्सा आ जाता है खाम खा किसी बात पे। मैं जब ये कहता हूं कि हमारा DNA सेम है, तो किस तरह डिनाई करोगे भाई? शक्लें मिलती हैं एक दूसरे के साथ, कपड़े एक दूसरे के साथ पहनते हैं, नफरतों के अलावा बाकी हर चीज मिलती है, क्या चीज नहीं मिलती? और नफरतें भी 75-76 साल से दोनों साइडों पे, ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी, नफरतें चलाई गई हैं, इसके पीछे पैसा बनाया गया नफरतें चला के, इसमें से अच्छी बात कुछ भी नहीं निकली। और दुनिया में वाहिद दो कौमें हैं, भारतीय और पाकिस्तानी, और शायद बंगाली भी, नेपाली भी,
जिनकी चीजें मिलती हैं, मुश्तरक है, सोचे एक है, खाना पीना एक है, ट्रेडिशंस एक है, कल्चर एक है। आप ना जर्मनों से बैठ सकते हैं, ना ब्रिटिशर्स के साथ बैठ सकते हैं, ना फ्रेंच के साथ बैठ सकते हैं, ये चीजें कॉमन नहीं है आपकी। अगर नफरत निकाल दें तो ये पूरा रीजन आप सोच नहीं सकते, ये तो सोना उगलेगा। लेकिन उसमें क्या करें, दोनों तरफ से कारोबार है, इलेक्शन नजदीक हो तो वहां पे वहां पे प्यार की बात नहीं हो सकती, सुकून की बात नहीं हो सकती, यह आपको डिफेंस बजट चाहिए होता है। तो ये तो फिर कारोबार है ना, ये कारोबार से निकले। जब इन चीजों पर नफरतों पर जब कारोबार किया जाए आरजू, तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है जो इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशनशिप है। लेकिन सर सब कुछ अगर उनको कह भी दें कि वो अगर इलेक्शंस के टाइम पे पाकिस्तान का नाम लेते हैं, फिर भी वो कितने आगे चले गए। अभी G20 का आपने जिक्र किया, तो G20 उनके यहाँ हो रहा है और हम जो है वो कहीं आसपास भी नहीं नजर आ रहे। नहीं, आपने होना भी नहीं है ना, उसकी वजह यह है कि आपकी डायरेक्शन ही वो नहीं है। आपकी तो डायरेक्शन नहीं है वो, आपकी डायरेक्शन तो लंदन और टोरंटो और इधर सारी डायरेक्शन है ना। आपकी डायरेक्शन तो आपके कोई भी आप ऐसा फैसला नहीं करते जिसके अंदर नेशनल इंटरेस्ट हो। नेशनल इंटरेस्ट, मैं इस G20 को बड़ा क्लोजली वॉच करता रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि मैं ये भारत को, यकीन करें, मैं जिस तरह भी कहूं करूं, भारत को इसके बारे में कुछ ना कुछ करना होगा और इनको पाकिस्तानियों को भी कुछ सोचना होगा। क्योंकि आपका नेशनल इंटरेस्ट है ये कि आप भारत और अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करें। उसकी वजह यह है, भारत को भी देखिए रीजनल पावर बन रहा है, बन चुका है, तो उनको भी आगे जाने के लिए रीजन में पीस की जरूरत है। जब बायलैटरल टॉक्स की बात की जाती है, जब उस इकॉनमी की बात की जाएगी, जब आगे फ्यूचर में ग्रो करेगा ये रीजन, जिसको आजकल एक नया टर्म चल रही है, साउथ उसको कहा जाता है। मेरा मकसद है कि क्वाड बन रहे हैं, डिस्कशन चल रही है, रशिया और अमेरिका वहां पे इकट्ठा था। जब आप इस चीज की बात करते हैं, तो आपको फ्यूचर में इस सारे रीजन को साथ लेके चलना होगा, इसके हल, इन चीजों के हल ढूंढने होंगे आपको, अदरवाइज आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ, गाड़ी जब चलाई जाती है आरजू, तो फ्रंट स्क्रीन देख के चलाई जाती है, पिछले मिरर से देख के आप गाड़ी फॉरवर्ड नहीं चला सकते। तो अगर पीछे आप पिछली 3-4 जंगे उनके बारे में बात करते रहे, ये 70 में हुआ, कारगिल में ये हुआ, 60s में ये हुआ, तो फिर आप यही खड़े रहेंगे, आप फॉरवर्ड नहीं चल सकेंगे, आगे नहीं जा सकेंगे। और इस वक्त अगर आप मुझसे ये देखें, दोनों ममालिक और पूरी दुनिया को सबक ये सीखना चाहिए कि 50 साल के अंदर चाइना ने जितनी तरक्की की है, उसके सबसे बड़ा सीक्रेट है कि जंगों से दूर रहे, कॉन्फ्लिक्ट से वो दूर रहे। उनको जो कुछ भी दुनिया पर, उन्होंने बिल्कुल पहले अपनी इकॉनमी ठीक की है, डैम बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उसके बाद अब वो तवज्जो दे रहे हैं कि शिप कैरियर बनाए जाए, ये किया जाए। अभी भी देखे ना, रोड इनिशिएटिव, तो उन्होंने अभी भी उसका, उसकी बेस तो कारोबार है उसकी बेस। तो आपको भी ये इन ममालिक को सोचना होगा कि कॉन्फ्लिक्ट से छोड़ के आगे जाया जाए, आगे निकला जाए। और सर हमारे यहाँ से सर, चाहे हिना रबानी खर हो, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी या इमरान खान भी जब थे प्राइम मिनिस्टर, तो सर हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात की जाती है जो कि भारत के नेगेटिव, जिसे हम कह सकते हैं कि उनके खिलाफ ही कोई बात करते हैं, तो फिर कैसे बातचीत होगी, कैसे वो लोग हमारा ट्रस्ट करेंगे। अभी भी हिना रबानी खर ने खामखई में उनके जो हथियार वो लोग ले रहे हैं, तो वो अपने पैसे से ले रहे हैं ना, उसके ऊपर एक सवाल उठा दिया। नहीं देखिए आरसू, उसमें सिर्फ एक की बात नहीं। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि किस तरीके से हमारे खान साहब हैं, जिनको वेस्ट जो है कहता है कि ही इज अ प्ले बॉय, एक शादी के बगैर उनकी एक बच्ची भी है, एक ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट है, एचिसन के पढ़े हुए हैं, फिर ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट, नया पाकिस्तान बनाना चाहते थे, ठीक, पाकिस्तान आके उन्होंने वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के अमर बिल मारूफ क्यों बना लिया, रियासत मदीना का नारा क्यों लगाया, कश्मीर का जिक्र किया जाता है, क्यों किया जाता है, सारी चीजें, ये 3-4 मेरे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये बिकता है चूरन भाई। जब 76 साल से नफरतें पाल रहे हैं आप निसाबी किताबों में बता रहे हैं नफरतें कर रहे हैं, तो फिर ये चूरन बिकता है ना, बच्चे पसंद करते हैं। गजवा हिंद की बात करें तो बच्चे जज्बाती हो जाते हैं भाई, वो कैश कराते हैं। तो ये हिना रबानी ने भी कैश कराया है, सारे कैश करा रहे हैं ना, ये सारे मुल्की मुफाद में तो नहीं, 70% आप डालें इस वक्त जो इंपोर्ट कर, 70 से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से, अगर वो भारत से करें तो आपको सस्ती पड़ती, लेकिन वो नेशनल इंटरेस्ट में, फिर नफरतों का क्या करेंगे आप दवाइयां भारत से मंगा लें। आप सबसे, मैं अगले दिन हैरान था, इट्स अ लार्ज नंबर, कि भारत से चीजें दुबई जाती हैं, दुबई से लौट कर पाकिस्तान आती है,
बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आ रही क्योंकि आपके नेशनल इंटरेस्ट की तरफ किसी की तवज्जो नहीं। तो दर हकीकत जब इसी तरह के फैसले किए जाते, दैट इज वाई यू कॉल डेवलपिंग कंट्री डेवलपिंग, तभी वहां पे इस वक्त आपकी इंडस्ट्री बंद पड़ी है और किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं। 9,000 कंटेनर कराची पोर्ट पर सड़ गया है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं। सर सुना तो था सेस खोल रहे, इन्होंने अनाउंस तो किया था कुछ खोलेंगे, क्या आपके पास फॉरेन रिजर्व भी कोई नहीं? और जो चाइना से प्राइवेट बैंकों से आपने पैसा लेना शुरू किया वो सीधा दुबई और लंदन जाएगा। इस वक्त IMF की जरूरत सिर्फ 5,000 लोग हैं जो रूलिंग एलीट के हैं, उनको जरूरत है उनकी, क्योंकि डॉलर पाउंड शॉर्ट है। पहले उन्होंने वो डॉलर सारे अफगानिस्तान में भेज के तो पैसा बना लिया, अब उनको डॉलर पाउंड चाहिए, तो वो क्योंकि बच्चे उनके बेचारे ट्यूशन फीसें देनी है, प्रोजेक्ट दुबई के रुके हैं, वो सारा कुछ उन्होंने करना है, उनको पैसे चाहिए $5,000 को, 5,000 लोगों को। दूसरा वरना तो आपके देखें जिस तरह चहल पहल है सारी इस्लामाबाद में आपको नजर आता है, इकॉनमी खराब है, मुझे तो नजर नहीं आता। मगर सर इमरान खान का कहना है कि उनको अपने मुहाफिजों से खतर है, इस बात को क्या समझे? आर्मी की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपने मेरे कहते हैं दुखती रंग को छेड़ दिया है। खान साहब ने जो कल स्पीच दी है, अगर कोई जीश औलाद नहीं जिसने कोई मैट्रिक से ऊपर कुछ पढ़ा है या अखबारें पढ़ता है, वो खान साहब की कल की स्पीच सुने तो हैरान हो जाते हैं। शेरशाह सूरी की मिसालें दे रहे हैं कि मैं शेरशाह सूरी की तरह इसको इकॉनमी को चलाऊंगा। और यार खुदा का खौफ करो यार, हम कहां बैठे हैं 21st सेंचुरी में। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने परसों अपनी स्पीच सीपैक में कहा है कि फ्लाइंग कारें, मैं 10 नए शहर बनाऊंगा जहां फ्लाइंग कारें होंगी। आप शेरशाह सूरी बनने जा रहे हैं। और दूसरा क्या फरमान जारी कर दिया उन्होंने, उन्होंने कहा जी मैंने सूबा सरहद के अंदर जैतून के इतने दरख्त लगाए हैं, अब हम जैतून एक्सपोर्ट करेंगे। तीसरी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा समुंदर से पाम ऑयल बनाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। फिर उन्होंने शुरली एक और पटाखा छोड़ दिया, उन्होंने कहा जी ओवरसीज पाकिस्तानी जाएंगे पैसे लेकर आएंगे या दूध की नहरें होंगे। वाह वाह वाह, जिस तरह अगवा कर करके लोगों को आप तवान के पैसे लेते रहे हैं पिछले दौर के अंदर, अब सार आलम का आर्टिकल है लोगों को वो अभी याद है। कुछ ओवरसीज सारे ओवरसीज पाकिस्तानी अंधे नहीं है, खान साहब समझते हैं ये सारे अंधे हैं, कानों से बहरे हैं। पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी अभी देखते हैं कि हमारे साथ एयरपोर्टों पे क्या होता है। जब हम पाकिस्तान जाते हैं रिश्वत का रेट डबल हो जाता है, हमें जानबूझ के केसेस में फंसाया जाता है, हमारी प्रॉपर्टीज पे कब्जे किए जाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी को नहीं पता ये क्या हो रहा है। और जब आप आते हैं हुकूमत के अंदर और आप ओवरसीज पाकिस्तानी का पोर्टफोलियो कैसे आदमी को दे देते हैं जो अपने जहाजों में ट्रेवल करता है, जो बंदा पैदा ही सोने का चमच लेके हुआ था। आपने शौकत खानम हॉस्पिटल हमारे पैसों से बनाया, लेकिन आप मुझे बताएगा आपने ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए क्या किया है? आज कुछ किया आपने? कुछ डिलीवर किया आपने? आप 25-25 साल के लौंडे लपाड़े लेके फिर रहे हैं जिनकी ना दाढ़ी है ना मूछ है, आप वो टीके लगा रहे हैं, कभी रिंग रोड का लाहौर में लगता है, कभी इस्लामाबाद में लगता है, कभी उधर लगता है, कभी इधर लगता है, कुछ आप बताएं। और आप बार बार कहते हैं, मुझे एक बात अगले दिन बड़ी अच्छी लगी, आपके एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा है और बिल्कुल सही कहा, उसने कहा इमरान खान का हाल ये है कि इसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, ये 6 महीने सर्वाइव नहीं कर सके। मैं एग्री करता हूं, एक भी नया आदमी इसकी टीम में आया है जो पाकिस्तान के लिए सूदमंद होगा? एक भी ऐसा नया आदमी हो जो कोई रोड मैप लेके आया हो इकॉनमी के लिए? बल्कि ये पिछले 3.5 साल में इन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेट ट्रीन करके रख दिया था, चाइना सी पैक छोड़ के भाग गया था, यहां से निकाल लिया था इन्होंने, तो आगे किस तरह निकालेंगे? तो सर लोगों का ये क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है इस वक्त यहाँ पे, जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, वो इमरान खान को वापस लाने के लिए हो रहा है? और कई लोग तो जो मतलब यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं भारत से भी, वो भी दावे कर रहे हैं कि दोबारा इमरान खान आता हुआ नजर आ रहा है, कैसा हो सकता है? मैं कहता हूँ 6 महीने से ज्यादा नहीं निकलेगा, बल्कि उसमें वजह ये एक और है, मैंने जिस तरह आपको पहले कहता हूँ ना, तजर्बाकारी तो पहले मौजूद है इनके पास, और इनके पास कोई ऐसे एक्सपर्ट भी नहीं जो चला सके। अब उसके साथ एक और चीज शामिल होगी, ये फांसियां देगा सड़कों पे, गुस्सा है बदला है। बाजवा साहब को तो उसने कह दिया ना कोर्ट मार्शल कर रहा है। हाँ बिल्कुल। तो फिर वो तो ये तो वापस आएगा, 2-3 किस्म के तबकों को बड़े बुरे तरीके से ही पड़ेगा। एक तो जर्नलिज्म को करेगा तबाह, ये 4-5 चैनल को बैन कर देगा। फिर उसके बाद इन्होंने खुद फरमाया था कि हमने ब्यूरोक्रेसी की लिस्टें बना ली, उन ब्यूरोक्रेसी के पीछे जाएगा, और उनके पास ब्यूरोक्रेसी ने बहुत पैसा लंदन और टोरंटो में रखा हुआ, आधे तो छोड़ के भागेंगे यहाँ पे। तो बाकी बस पाकिस्तान में आपको पता 3 ग्रुप है ब्यूरोक्रेसी के, नून लीग के अपने अफसर हैं, पीएस पार्टी के अपने अफसर हैं, अब इनके भी अपने अफसर हो गए।
वो तीन किस्म का तबका, पता नहीं है क्यों सीएसएस करके पाकिस्तान में ये इस तरह बनते हैं, एक दूसरे जब एक पार्टी आती है दूसरे को जूते मारते हैं, दूसरी आती तीसरे को मारते हैं, बाइज़त तो प्रोफेशन रह ही नहीं चुका है। ये लोअर मिडिल क्लास से बच्चे सीएसएस करके आते हैं, पहले तो बदले लेते हैं पाकिस्तान से वो अपने माँ बाप के साथ जो उनके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन बस यही है। और फिर जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए अमरीका लंदन आते हैं, अमरीका में आते हैं या लंदन जाते हैं, वो दिल दिमाग यही छोड़ जाते हैं, बॉडी ले जाते हैं, फिर वहां जाके लोगों के खून चूस चूस के भैया पे अपने बैंकों में पैसे भरते हैं। आपके हालात आप ओरिजिनली एज अ स्टेट आप बिल्कुल डिफॉल्ट हो चुके हैं, आप बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, एज अ सोसाइटी यू आर कोलैप्सिंग नाउ, क्योंकि सोसाइटी जो है वैल्यूज के, रिस्पेक्ट के, लॉ एंड ऑर्डर के, इन चीजों के बगैर नहीं चल सकती। पूरे पाकिस्तान में ग्लास दूध का तो खालस मिलता नहीं, वो तो किसी दौर में नहीं मिला सर, वो तो कभी भी नहीं मिला। जिस मुल्क के अंदर आपका हर बंदा ही इस तरह हो, हर बंदा ही फ्रॉडी है, फ्रूट बेचने वाला भी फ्रॉड लगा रहा है, दूध बेचने वाला भी फ्रॉड लगा रहा है, हर चौक पे डाका हो रहा है, हर चौक के ऊपर फ्रॉड हो रहा है, तो किस तरह बचेगा सर्वाइव? मैं तो हैरान हूँ 76 साल आपने किस तरह निकाल लिए, 76 साल बड़ा टाइम होता है। अब मैं अब कई दफा सोचता हूँ कि क्या क्या आपके साथ नहीं हुआ पिछले एतवार के अंदर, मैं हैरान हूँ 76 साल आप किस तरह निकाल गए, बड़ा हैरानी वाली बात है। उसकी वजह यह है कि मैं जो भी देखता हूं दौर जो है वो पिछले से बदतरीन है, जो भी दौर देखता हूं पिछले से बदतरीन है। तो आज आप देखे परवेज मुशर्रफ अच्छा लगना शुरू हो जाता नजर आता, उससे पिछला देखे उनसे, मैं आज बल्कि किसी से बात कर रहा था, जिस तरीके से ये आपकी जुडिशी ये हाई ये अदालतों में पेश हुए, गेट तोड़े और जिस तरीके से हमला किया गया अदालत के ऊपर, कभी पिछले दौर में इस तरह हुआ? लेकिन सर इमरान खान कहते हैं कि मैं नए आर्मी चीफ से मिलना चाहता हूं, मैं हर तरह का उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हर चीज के लिए तैयार हैं, इस किस्म की स्टेटमेंट भी आ रही हैं, यानी पिछले आर्मी चीफ को कह रहे हैं कि कोर्ट मार्शल कर दो और नए से कह रहे हैं मुझे मिलवा दो, तो क्या मुलाकात होगी? नहीं आरजू उनकी जरूरत है ना, वो तो जरूरत है। दर हकीकत इसकी इमरान खान साहब की बैड गवर्नेंस में बाजवा साहब का और कुछ और उनके साथ जो साथी थे उनका हाथ है, क्योंकि उन्होंने गोद लेके रखा है। परवेज भाई साहब जो कहते थे नैपियां तब्दील होती थी, तो वो तो अब बल्कि इनका गलत ट्रेनिंग हुई है, वो समझते हैं कि जिस बंदे की ये सोच हो कि करप्शन को रोकने के लिए ISI इस्तेमाल करनी चाहिए, एंटी करप्शन और नैब या तो फिर बंद कर दो उसको, जो अभी तक यही नहीं बंदा समझ सका कि ISI का ये पोर्टफोलियो नहीं है कि करप्शन को रोके जाके, तो चलिए ठीक है, फिर जब पाकिस्तान के किस्मत में ये लिखा जा चुका है तो फिर होना चाहिए। आर्मी चीफ साहब को ये जरूर सोचना चाहिए इनसे मिलने से पहले कि ही इज फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास एज वेल, उनके वालिद साहब भी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, और अगर उन्होंने इनके साथ, मैं समझता हूँ जिसके साथ भी मर्जी मिले लेकिन उनकी नजर में यही होना चाहिए कि पाकिस्तान फर्स्ट, और मैं समझता हूँ कि जब से आए हैं अभी तक उन्होंने कोई सख्त फैसला नहीं किया, पाकिस्तान सख्त फैसलों के बगैर नहीं बच पाए अभी तक। लूटमार हो रही है नहीं, उसमें मुझे थोड़ा लूटमार जारी है आरजू, दो उसके शवाहिद मौजूद हैं, मोहम्मद खान भट्टी साहब, दस्ती साहब जो के एक एडवाइजर थे, MPA लेवल का बंदा है, MPA, 12 करोड़ कैश उसके घर से निकला, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे मिनिस्टर डिफेंस ने कहा है कि एक सरकारी अफसर की बच्ची की शादी में 1,20,00,00,000 की सलामियां, गाड़ी और ज्वेलरी अलग, किसी ने उस पर सोए मोटो एक्शन लिया? आर्मी चीफ साहब ने उसके ऊपर कोई एक्शन लिया? क्यों ले? यही मैं चाहता हूं, यही चाहता हूं, क्या वजह है लोअर मिडिल क्लास से लोग जब आके आते हैं बाख्तियार होते हैं पाकिस्तान को क्यों भूल जाते हैं? यही चैलेंज 76 साल से चल रहा है, 76 years। सर मंडी बाउद्दीन की भी एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल है, शादी की, जिसमें मोबाइल भी फेंके गए और सोने के सिक्के भी, नोट भी, ये भी सब कुछ चल रहा है, कोई नहीं देख रहा। तालीम का फुकदा वो तो खैर मंडी बहुदिन वाले तो बेचारे, देखें आपने उसकी मिसाल दी, मैं उसके साथ काउंटर इस चीज से करूंगा, हर किश्ती जो इटली के अंदर या ग्रीस के अंदर जब डूबती है उसमें आधे तो मंडी बहुदिन के होते हैं। हाँ दुख वाली बात ये है जो मुझसे पूछे, मेरा भी सफर ऑलमोस्ट उसी तरह का ही है, मैं पढ़ लिख के यहाँ आया था, वहां पे तालीम के बगैर लोग आ रहे हैं, बेरोजगारी से भाग भाग के वहां पे पहुंच रहे हैं, और दुख की बात यह है कि वहां से जब पैसे कमा लेते हैं तो ऐसे लल्ले तल्लों पर पैसे उड़ाते हैं, ये दुख वाली बात। लेकिन ये कि क्या किया जाए, तालीम का फुकदान है, अगर सोचा जाए तो वो जिस बंदे ने ये किया है उसको चाहिए था अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में बात करता। अगर मंडी बहुद्दीन में इतना ज्यादा पैसा आ चुका है, मंडी बहुद्दीन में कोई यूनिवर्सिटी बना ले, मंडी बहुद्दीन में IT सेंटर्स बना ले, कोई पूरे डिस्ट्रिक्ट की कोई आगे तरक्की के बारे में सोचे, कोई हॉस्पिटल मिलकर बना ले,
मैंने तो बल्कि सबसे बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, सबसे मैं बताना चाहूंगा, उससे सबसे पहला चेक मैंने लिखा था मंडी बॉर्डिंग की वेलफेयर के लिए। लेकिन अफसोस की बात है कोई चैनलाइज नहीं है, ट्रैक मौजूद नहीं, क्योंकि वो भी सर पैसा जाया करना लगता है ना, इस तरह से जा रहा है। एब्सोल्युटली वेस्टेज, एब्सोल्युटली वेस्टेज, कोई उसके अच्छा उससे चीजें नहीं है उसमें से निकली, लेकिन क्या किया जाए। मंडी बहुदीन में इस वक्त, मंडी बहुदीन से लोग सिर्फ जुडिशरी में जा रहे हैं, वहां पे इस वक्त बहुत ज्यादा लोग हैं लोअर मिडिल क्लास से। आई एम नॉट श्योर हाउ दे आर जस्टिफाइंग इट, लेकिन ये कि ये जो आपने वीडियो की बात कर रहे हैं मेरी नजर से भी गुजरी है, लेकिन वो मैं उसको अप्रिशिएट पैटर्नाइज नहीं करूंगा, गलत किया है। बिल्कुल, लेकिन सर लास्ट में मैं पूछना चाहूंगी, जस्टिस साकिब निसार साहब का कहना है कि मैंने तो कभी सादिक अमीन कहा नहीं इमरान खान को, और साथ साथ सर ये IMF वाले इतना डिले क्यों करते जा रहे हैं, मतलब देना है दे के खत्म करें पैसा, जो कुछ भी आना है कुछ तो संभाला लेंगे यहाँ पे। देखिए IMF वाले, एक तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तानी कौम को जो है या पाकिस्तानी जो इस वक्त रूलिंग एलीट है, मैं एक वाहिद आदमी हूँ जो पिछले 10 साल से, बल्कि मैं यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिटिक्स में 2015-16 से हूँ, मुसलसल बता रहा हूं इनको भाई कि आप वाशिंगटन DC में आप यू डोंट एग्जिस्ट, आप यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ इस वक्त भारतीय लाबी जो है वो इसराइल की लाबी के बाद दूसरे नंबर पर है, अब तो मेरे ख्याल में पहले नंबर पर आ रही है, इसराइल की भी नीचे जाती जा रही है। हर दूसरी कंपनी का CEO जो है भारतीय है। अब आगे अजय बंगा साहब वर्ल्ड बैंक में आ रहे हैं, कुमार साहब फेडअप के हेड हैं इस वक्त, तो सारी चीजों के अंदर अब आप अमेरिका से एक्सपेक्ट करना छोड़ दें चीजें। अब अमेरिका आपसे डील करेगा वाया भारत, भारत जिस तरह चाहेगा अमेरिका आपको वो जो है रोटी के टुकड़े कुछ दे दिया करेगा, वो भी भारत की मर्जी से। आपने बिल्कुल यहां पे 2 फर्में हायर की हैं अपने आप को प्रमोट करने के, यहां पे हमारे बिलावल भुट्टो साहब महीने में 2-2, 3-3 दफा आते रहे हैं सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने के, खान साहब ने एक लाबी फर्म को हायर किया सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने के लिए। पाकिस्तान को प्रमोट यहां पे नहीं किया जाना, आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में, और मेरी नजर में आपको IMF का पैकेज चाहिए ही नहीं। और अगर मैं ये कह रहा हूं तो आपका क्या ख्याल, IMF वाले नहीं देख रहे होंगे ये बात कि यार इनके इतनी प्रॉपर्टियां हैं लंदन में, आप अभी आरजू टिकट लेके चढ़े बिजनेस क्लास पे, सीट बाई सीट चलते हैं जहाज जब पाकिस्तान से उठते हैं, और अमीर बच्चों के, अमीर लोगों के बच्चे, और वो इस वक्त बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हैं क्योंकि वहां पे फ्रॉड बहुत ज्यादा चला है, हर चीज 2 नंबर बहुत चली, अब तो चार्टर जहाजों का फैशन है। बिल्कुल, आपके मैंने अगले दिन देखा है वो लोगों के पास तो जहाज इस तरह जिस तरह मोटरसाइकिल होता है पाकिस्तान में, तो आपका क्या ख्याल आई है मैं आंखों से अंधे हैं, आपके 22-20 करोड़ लोग आंखों से अंधे और कानों से बहरे हैं। IMF वाले तो भी अखबार पढ़ते ही होंगे ना, इंफॉर्मेशन तो देखते होंगे कि ये क्या लोग हैं। सर अगर हर जगह पर, हर जगह के हेड अगर आप कह रहे हैं कि वहां पे हेड्स हैं वो इंडियंस लग गए, तो सर वो अपनी काबिलियत पे लगे ना, अगर वो हम, अगर हमें कुछ नहीं मिलेगा तो उसमें आप उनको कहेंगे कि वो नहीं दे रहे, ये बात होगी। अब ये देखें, आपने फिर मेरा दुखती रंग छेड़ दी, एक भी इंग्लिश का चैनल आपके कंट्री में नहीं। अमीरुल मोमिनीन ने कह दिया है, पीछे एक अमीरुल मोमिनीन आया था ज़ियाउल हक, उसने कह दिया था अरबी पढ़ो सर, शरिया पढ़ो, अरबी पढ़ो, अपने बच्चे बाहर तो आप लोग अरबी पढ़ो। इस अमीरुल मोमिनीन ने कह दिया सारे निसाब उर्दू में कर दो, और ताकि तुम्हारे ऊपर CSS करने वाले सारे A-level, O-level, Achisonian ये चढ़ गए तुम्हारे ऊपर, अपने बच्चे ऑक्सफोर्ड में है, कौम के लिए सारा निसाब उर्दू में है, तो किस तरह आके तुम्हें वर्ल्ड बैंक में जाबे मिलेगी। अजय बंगा क्यों नहीं पैदा हो रहा वहां से, फिर कैसे होगा पैदा, नहीं हो सकता, चाहते ही नहीं है भाई, ये आपके रूलिंग एलीट, अपने बच्चे उनके यहां पे आते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़ते हैं, उनको फीसें आपके खून चूस चूस के देते हैं, दैट इज इट, 76 साल से यही हो रहा है। यहां पे मुझे ऋषि सोनक जो है वो कहता है इंग्लिश और मैथ पढ़ो ब्रिटिश लोगों को, आपका मीरुल मोमिनीन कह रहा है जिहाद करो और उर्दू पढ़ो, पिछला कहता था अरबी पढ़ो, आपको तो अपनी शनाख्त का इशू है भाई, आपको यही नहीं पता कि हमने करना क्या है, हम हैं कौन, आप कौन हैं, आप कहां से शुरू हुए हैं, आप मुसलमान कैसे हुए हैं, आपके आपके साथ फॉरेन इन्वेडर्स ने आके क्या क्या जुल्म किए, आपको ये पढ़ना होगा, ये इस चीज को एडमिट करना होगा। बट मेरे पठान भाइयों ने कहा था मिसाइल का नाम चेंज कर लो, सूरी नहीं है, सूरी हम अफगानी हैं, अपना नाम रखो कोई, आपको ये तवज्जो देनी होगी आरजू, आपका नाम आरजू कैसे हुआ है, आपको ये सोचना चाहिए।
ये काजमी कहां से आया है ये सोचना होगा, ये कोई नहीं प्रॉब्लम है। हम तो इलाहाबाद से आए थे। नहीं, मैंने आपको कई दफा कहा है कि आपको जिहाद के पीछे लगाया जा रहा है, लेकिन इट इज नॉट इन योर डीएनए। आपने जिहाद ब्रिटिशों के खिलाफ किया, आपने मुगलों के खिलाफ जिहाद किया, आज किस तरह करेंगे भी? आज कह रहे हैं सियासत में जिहाद है, ओए आपके डीएनए में नहीं है यार। आप तो हार लेके खड़े हो जाते थे, जो नरेटर आता था उसके पीछे पीछे। आज मैं छोटा सा आखिरी पे एक लतीफा सुना देता हूँ, चले एंटरटेनमेंट के लिए। हमारे कुछ यहाँ पे ब्रिटिश एजेंट थे जो ये जिनको बड़ी बड़ी जमीनें अदा करके गए थे गोरे, तो वो जब ब्रिटिश जा रहे थे तो उन्होंने कहा भाई आप कहाँ जा रहे हैं, तो ट्रेन लेके उन्होंने कहा मैं कराची जा रहा हूँ, जो ब्रिटिश है उनको सी ऑफ करने जा रहा हूँ। तो उसको किसी ने कहा भाई आप जा रहे हो जरा बच के रहना, और दूसरी साइड पे जैपनीज आ रहे हैं, बर्मा तक जैपनीज आ चुके थे। उन्होंने ऐसी कौन सी बड़ी बात है, ब्रिटिश को कहेंगे आपको छोड़ने हैं, जैपनीज को कहेंगे आपको लेने आए हैं। तो आप तो छोड़ने वाले और लेने वाले हैं, तो आप ये बातें जिहाद की मजाक ना उड़ाया करें। आप कहते हैं शहीदों का मजाक ना उड़ाया करें, आप पहले ये देखें आपका ओरिजिन क्या है, एक्सेप्ट करें आपका ओरिजिन क्या है। लोकल हीरो ढूंढें, अरबियों और पठानों के हीरो को छोड़ दें। बाबर बाबर करते हैं, बाबर वाज नॉट पाकिस्तानी, मंगोल था वो। सर ये आजाद कश्मीर में क्या इन्होंने नया शुरू कर दिया कि हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हिजाब जो है वो लाजमी कर दिया कि जी वो तो पहनना ही है, ये कौन सा नया इस्लाम लेकर आ रहे हैं? उसकी वजह ये है कि अब आपका मुकाबला अफगानिस्तान के साथ है, आपका मुकाबला ना भारत और बांग्लादेश के साथ है। आप तो जो अफगानिस्तान में होगा वो आप करें आप। उन्होंने लड़कियां निकाल दी, बाप भी निकाल दे, ये निकालने के मुतरादफ ही है ना। किसी को कहना जी हिजाब पहन कर आए, बुरके पहन कर आओ, तो बिल्कुल आप उसी आपका आपका नो कंपटीशन इज विद अफगानिस्तान, तो गुड लक, गुड लक। सर कुछ तो बेहतर हो, कभी तो मैं आपके मुंह से कोई ऐसी बात सुनूं कि कुछ अच्छा भी हो गया, लेकिन हमेशा यही होता है कि और बद से बदतर हम होते चले जा रहे हैं। आरजू 36 साल, कान तरस गए, खुदा की कसम कान तरस गए, कोई अच्छी चीज हो। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जिस बंदे की माँ के कपड़े ये फाड़ रहे हैं 76 साल से, खुश होगा। और मैं ये दूसरी बात, मैं डिबेट के लिए तैयार हूं, आर्गू करने के लिए तैयार हूं, मेरे साथ आर्गू करें, मैं वकील हूं, मेरे साथ आर्गू करें कि यू आर रॉन्ग। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो चीजें आपके साथ करता हूँ दे आर बेस्ड ऑन सम रिसर्च और बेस्ड ऑन सम राइटिंग और बुक। मैं वकालत में सबसे पहले ट्रेनिंग ये दी जाती है कि बगैर रेफरेंस के बात ना करो, इफ यू आर एज पर रेफरेंस यू हैव टू प्रोवाइड द रेफरेंस। या तो मुझे बताए ना, आर्गू करें, ये जो बंदे मेरे साथ डिसएग्री करते हैं यार आर्गू करें, मुराद ये है कि मुझे रेफरेंस दें, अटैच करें यार यू आर रॉन्ग, यू हैव ये आपने फलां बात की है रॉन्ग। हाँ उसमें अगर आपने जो जज्बात ऐड कर लें उसमें किसी चीज में, तो जज्बात का तो कोई हल नहीं होता ना, तो उसका तो कोई ऑन ग्राउंड रियलिटी की बात करें कि आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं, क्या डायरेक्शन है। इसलिए मेरे सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया मैं चाहता हूँ, मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ आपके दौर में, आज भी फिर कहूंगा, अगर पाकिस्तानी को देख रहे हैं तो भारत का टीवी मीडिया वॉच किया करें, वहां की अखबारें पढ़ा करें, शायद आपकी भी सोचें तब्दील हों, शायद आप भी तरक्की की तरफ जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत शुक्रिया सर आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू।